मोमेंटम और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ये थोड़ा क्या अच्छा खासा डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्टी अपने ऊपर डिपेंड करता है यार, है ना। अगर चीजें पता है तो आसान है। रूल ऑफ डिफिकल्टी क्या कहता है? इफ यू नो द आंसर देन प्रॉब्लम इज इजी, एंड इफ यू डू नॉट नो द आंसर इट इज डिफिकल्ट। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। चीजें पता है तो आसान है, नहीं पता है तो डिफिकल्ट। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली अगर आप बात इसकी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन पार्ट। मोमेंटम आप पहले भी सुन चुके एक बार पहले, मतलब एंगुलर मोमेंटम तो नहीं लेकिन मोमेंटम वर्ड आपने पहले भी सुन रखा है। इनफैक्ट अभी तक की पूरी मैकेनिक्स जो चलती आई है और न्यूटन लॉ की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ इसी वर्ड के अराउंड घूमती थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी पार्टिकल पर जो फोर्स लगती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होती है, डीपी बाई डीटी। बट तब उस मोमेंटम की डेफिनेशन क्या दी गई थी? यहाँ पर जो मोमेंटम वर्ड यूज करते थे इसकी डेफिनेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था इसका? F equal to dv product of mass and velocity. तो हम हाँ राइट, तो F is equal to dp by dt पे हम इस p को मोमेंटम कहते थे, लेकिन तब हम लोग इसका नाम नहीं जानते थे। अब हम मोमेंटम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इस वाले p को आप नाम दोगे मोमेंटम, बट इसके आगे एक वर्ड यूज करोगे लीनियर मोमेंटम। और ये डिफाइंड किसके थ्रू होता है? तो इसको डिफाइन करते हो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और इसको ये भी कहा जाता है कि ये न्यूटन ने इसको ये माना था कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन करती है, एक बॉडी के मोशन की क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहते हो तो मोमेंटम से मेजरमेंट होती है और वो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। और इसका डेरिवेटिव अगर टाइम के साथ लेते हैं तो ये पार्टिकल का फोर्स बन जाता है। ये पूरा न्यूटन सेकेंड लॉ है और मैकेनिक्स पूरी इस सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर वर्क कर रही है। सो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना? ये तो नहीं लीनियर मोमेंटम, ये तो लीनियर मोमेंटम जिसको पहले जानते थे। यस सर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मोमेंटम अब से, अभी तक मोमेंटम के आगे हमने लीनियर वर्ड कभी यूज नहीं किया था ना। यस सर, अब लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि अब आप मोमेंटम को दो दो टाइप ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हो। तो अब इस चैप्टर में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से मोमेंटम की बात कर रहे हो। अगर आप लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हो तो उसको हम मास इनटू वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं, बट अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हो तो इसको हम किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं भाई? कैसे डिफाइन करते हैं? तो जरा डेफिनेशन पार्ट पे ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा भी बिकॉज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं और आप साथ साथ में चाहो तो कॉपी कर सकते हो। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा जल्दी से, ठीक है? वो है वॉट एवर द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज। आपने साथ में लिखते जाना, साथ साथ ही ऐड करना, जैसे क्लास में अगर बैठे थे वैसे ऐड करते, तो आप उसी तरीके से इसको लिखिए। वॉट एवर द पाथ और ट्रेजेक्ट्री, पाथ मतलब ट्रेजेक्ट्री हुआ, वॉट एवर द पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज। स्पीड ठीक है लिखने के लिए, मतलब फास्ट तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। नोट कर पा रहे हो? यस सर, यस सर। सो व्हाट एवर द पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पाथ हो, सर्कुलर पाथ हो, पैराबोलिक पाथ हो, हाइपरबोलिक पाथ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी हम डेफिनेशन देने जा रहे वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी पाथ के लिए अप्लाई की जा सकती है, ठीक है? मतलब ये पाथ एक लाइन हो सकता है, सर्किल हो सकता है, क्लोज पाथ हो सकता है, ऑर्बिट हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, कुछ भी। द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, एक एक वर्ड। यहां पर जो आप एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर रहे हैं वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। इसकी जब समझ आ जाएगी, इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लोगे, तो हम एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन करेंगे, मतलब कई सारे पार्टिकल्स का मिल करके। ये एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वॉट एवर द पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज, जिसका मतलब इट मे बी स्ट्रेट लाइन पाथ, पैराबोलिक, सर्कुलर, इलेप्टिकल, क्लोज पाथ, ओपन पाथ, कुछ भी लगा दो आप,
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इट डिफाइंड एज इज इट डिफाइंड रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट डिफाइंड रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट इसको फिलहाल मैं यहां पर पॉइंट ओ का नाम देने जा रहा हूं कोई एक रेफरेंस पॉइंट जिसको मैंने ओ का एक नाम दिया है इज इट डिफाइंड रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट लेट्स से ओ एज एज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी मतलब लीनियर मोमेंटम और आर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट और डिनोट करेंगे इसको बाय द सिंबल ऑफ कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम डिनोट कर रहे हैं बाय द सिंबल ऑफ कैपिटल एल जिसमें ये आर वेक्टर क्या चीज है तो आर वेक्टर कहलाएगा जो यहां पर आर वेक्टर आप देख रहे हो ये कहलाएगा हमारे लिए पोजीशन वेक्टर पी डॉट वी विच स्टैंड फॉर पोजीशन वेक्टर यहां तक लिख लिया है ना मतलब ऐसा तो नहीं yes, sir, लिख लिया है यस सर सो दिस आर स्टैंड फॉर पोजीशन वेक्टर नहीं बच्चा इसने पूछ लेना कि नोट्स मेकिंग भी तो करोगे ना अभी पहले तो पीडीएफ नोट्स आ जाते थे तो अभी आपको नोट्स भी तैयार करने हैं सो आर वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट मतलब कि रिलेटिव टू द पॉइंट ओ सो दिस आर विच स्टैंड फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड कैपिटल पी विच इज लीनियर मोमेंटम ये तो है इसकी डेफिनेशन अब इसको समझना पड़ेगा बिकॉज डेफिनेशन तो किसी भी बुक में लिखी हुई मिल जाएगी हमें तो इसमें ऐसा कौन सा नया बात है नई बात ये है नई बात इस डेफिनेशन के साथ ये है एंगुलर मोमेंटम सुनते ही कुछ मतलब कई सारे कुछ नहीं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड इवन कुछ टीचर्स लोग ये समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में ही डिफाइंड है तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटेट करने वाली बॉडीज के लिए ही डिफाइंड है ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो पार्टिकल रिवॉल्व करे या रोटेट करे कोई जरूरी नहीं है इसका ऑब्जेक्ट के रोटेशन से ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेटरी मोशन से या ऑब्जेक्ट के कंबाइंड मोशन से कोई लेना देना नहीं है ये अपनी एक इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी पार्टिकल के लिए किसी भी मोशन में डिफाइन की जा सकती है इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया स्टार्टिंग में डेफिनेशन के स्टार्टिंग में लिख दिया है कैसा भी पाथ बस डेफिनेशन ये होनी चाहिए इट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द पोजिशन वैक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का मतलब मास ऑफ पार्टिकल एंड द वेलोसिटी वी और सबसे बड़ी बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं हुई एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्यों नहीं हुई सो डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है बिल्कुल क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन दी जा रही है वो किसी के रिलेटिव दी जा रही है रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट जिसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप अपने रेफरेंस पॉइंट्स को बदलते रहते हो तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज बदलती जाएंगी और एक और बात ये कोई लॉ नहीं है ये हमारा एक डेफिनेशन है जस्ट हम चीजों को डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से कि इस प्रोडक्ट को हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे ये ऑब्वियस है कि यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट यहां से निकाल सकते हो डिस्टेंस की यूनिट लीनियर मोमेंटम की यूनिट जो कि मास इनटू वेलोसिटी क्या बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम की यूनिट इसके हिसाब से बताए यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कह सकते हो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मीटर फॉर द डिस्टेंस राइट मीटर फॉर द डिस्टेंस एंड मोमेंटम के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड सो ओवरऑल इट विल बिकम किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड सही है ये चीज राइट ठीक है ये कुछ मिस्टेक है यहां पर नो सर यस डायमेंशंस डायमेंशंस
सर एम एल स्क्वायर टू टी माइनस वन माइनस वन एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस वन राइट। अब इसको समझने के लिए मैंने कहा ना वॉट एवर द पाथ, इसको बहुत ध्यान से करना है। कैसा भी पाथ हो, जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रोटेट करे, कुछ भी जरूरी नहीं है। सर टी माइनस वन होना चाहिए ना, टू क्यों हुआ? अरे माइनस वन है भाई, जल्दी जल्दी में हो गया, सॉरी माइनस वन। इसको ने समझने के लिए मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, देखो आप उससे बेटर तरीके से जो मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ वो एग्जांपल से समझ आ जाएगा। हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर ओरिजिन ओ मान लेते, एक पॉइंट ओ ओरिजिन, और इस एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, कोई पार्टिकल है जिसका मास है 2 किलोग्राम है, इट इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड। एक्स एक्सिस के ऊपर 2 किलोग्राम का पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब अगर मैं पूछूं कि इसका लीनियर मोमेंटम कितना हुआ, अगर आप इसका लीनियर मोमेंटम पूछो 10 kg/m² मास इज वेलोसिटी, तो आंसर हो गया 10। और डायरेक्शन क्या दोगे? लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन आई कैप, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की है, जो कि एक्स एक्सिस है, सो इसलिए ये 10 आई कैप, और यूनिट्स अपने आप लिख लीजिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो गया। यस सर, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो गया जब तक ये मेंशन ना किया जाए कि किसके रिलेटिव निकाल रहे हैं, रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, किसके रिलेटिव निकालना है मुझे एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं थी। जब मैंने पूछा कि लीनियर मोमेंटम कितना है, तो आप सबने कहा 10 आई कैप। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो इसका आंसर देने के लिए आपको ये भी पूछना पड़ेगा किसके अबाउट निकालना चाहते हो। तो मैं बोलता हूं मुझे पॉइंट ओ के अबाउट चाहिए, तो रिलेटिव टू ओ, एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू ओ चाहिए मेरे को। तो जिस पॉइंट के रिलेटिव आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहां से और अपने पार्टिकल को ज्वाइन करो, मतलब जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वहां से और जिस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो, इनको कनेक्ट कर दीजिए, ये हमारा आर वेक्टर कहलाएगा, इसी को पोजीशन वेक्टर कहा गया है। वेक्टर विच कनेक्ट्स रेफरेंस पॉइंट टू द पार्टिकल, और वेक्टर आर और वेक्टर वेलोसिटी, आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है, जिस डायरेक्शन में आर जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स की सेम डायरेक्शंस होती है, तो इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शंस कितना आएगा भाई आप लोग के हिसाब से? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करो, ए क्रॉस बी का रिजल्ट याद करिए सर, जीरो जीरो आएगा, और यहाँ पर जिन दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस करने जा रहे हो, वो तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर है, तो इनमें थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू ओ जीरो हो गया। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर लीनियर मोमेंटम नॉन जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम भी नॉन जीरो आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, और यही चीज एंगुलर मोमेंटम को डिफिकल्ट बनाती है, यही कंसेप्ट इसको टफ कर देता है। मैं अगर अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, कोई ए पॉइंट जो ओरिजिन से फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, और इसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूं, एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द पॉइंट ए,
तो मेरे पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी, देखो जिसके रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से आप अपने पार्टिकल को ज्वाइन करिए, ये वेक्टर आ गया, ये कहलाएगा आपका आर वेक्टर रिलेटिव टू ए, इसको मैं आर रिलेटिव टू ए लिख दे रहा हूं, पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ए। ये वाले वेक्टर में और मोमेंटम वाले वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए मुझे, समझ पा रहे यार यहां तक बताओ? यस सर। ठीक है, बहुत धीमे धीमे इसलिए चल रहा हूं कि डेफिनेशन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज कहलाएगी पोजीशन रिलेटिव टू ए एंड क्रॉस, पोजीशन रिलेटिव टू ए क्रॉस लीनियर मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी विच इज 10 आई कैप। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी क्या वैल्यू होगी, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? रूट ऑफ 4 प्लस आर स्क्वायर। नहीं, वेक्टर की वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड हो गया ना बच्चे, मुझे वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर कितना होगा। तो थोड़ा सा ब्रीफली रिकॉल करो ना यार, अगर एक ए वेक्टर होता है और एक बी वेक्टर होता है जिनके बीच में थीटा एंगल बन रहा हो, तो आप ए क्रॉस बी निकालने के लिए इनका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या लगाते हो? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ थीटा लगाते हो। तो ये कंसेप्ट लगाते हैं, राइट? यस सर। हाँ, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम आपको ये भी बताया गया था वेक्टर वाले चैप्टर में, ट्रायंगल लॉ, जिसमें ये कहते हो कि अगर ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है और उसके हेड पर हमने बी वेक्टर बनाया तो ये इनका रिजल्टेंट कहलाता है ए प्लस बी। तो ये जो आर रिलेटिव टू ए है इसको लिखने के लिए मैं क्या काम करने जा रहा हूं, देखना, इसको लिखने के लिए मैं ए से ओ की तरफ अगर जाऊं, पॉइंट ए से ओ की तरफ, तो ये वेक्टर मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम ए टू ओ -2 जे। तो ये वेक्टर इसकी लेंथ 2 होगी और डायरेक्शन इसकी नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, तो ये वेक्टर लिख सकते हैं -2 जे कैप। और उसके बाद हम इस 2 किलोग्राम पार्टिकल की तरफ जाएं और सपोज करें कि ये डिस्टेंस हमारा कुछ एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स आई कैप। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये जो आर वेक्टर आप लिख रहे हो, क्या इसको -2 जे कैप और एक्स आई कैप का समेशन नहीं कर सकते? दिस आर रिलेटिव टू ए इज इट नॉट इक्वल टू -2 जे कैप प्लस एक्स आई कैप? यस सर, लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो यहां पर -2 जे कैप प्लस एक्स आई कैप एंड क्रॉस 10 आई कैप। ठीक है? यस सर, यस सर। अब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ये बन जाएगा -2 जे क्रॉस 10 आई कैप और एक टर्म बन जाएगा एक्स आई कैप क्रॉस 10 आई कैप, जिसकी वैल्यू -20 और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। तो ये वाला माइनस डिसअपीयर हो जाएगा और ये 20 के कैप आ गया, और एक टर्म 10 इंटू एक्स आई क्रॉस आई, सर ये तो जीरो हो जाएगा, तो हो गया, इसका मतलब आंसर आया 20 के कैप। तो जिस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के रिलेटिवली जीरो आ रहा था, उसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के रिलेटिवली नॉन जीरो आ रहा है विथ डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। यस सर, यस सर। कंक्लूजन क्या आया यहां से, क्या एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या फिर एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी? और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज का मतलब जो चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड न करे, और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब विच डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। सो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक। एंड लीनियर मोमेंटम,
सर इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सर वो इंट्रिंसिक है हाँ ये ध्यान रखना क्योंकि यहीं से एंगुलर मोमेंटम डिफिकल्ट होने लगता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए फॉर टू डिफरेंट स्टूडेंट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेम पार्टिकल इज डिफरेंट यस सर किस वजह से सो वो दोनों अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स पे हो सकते हैं हाँ उनके रेफरेंस का चॉइस अलग अलग हो चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट अगर आपका अलग अलग है तो एंगुलर मोमेंटम का आंसर भी अलग अलग आएगा तो इसी बात का ना हमें पूरे चैप्टर में बहुत केयर करनी पड़ती है पूरे चैप्टर में आपको इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है और बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है जब भी आपसे कोई एंगुलर मोमेंटम पूछे या आप अपने आप लिख रहे हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि ये एंगुलर मोमेंटम मैं कौन से पॉइंट के रिलेटिवली लिख रहा हूं अगर रिलेटिव टू सम पॉइंट वाली बात आपके माइंड से स्किप कर गई तो वहां से ये मान के चलो कि क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो गया आपके समझ गए सर और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेगेटिव वाई एक्सिस पर लेता सपोज करो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉजिटिव वाई एक्सिस की बजाय नेगेटिव वाई एक्सिस पर रहा होता तो जहां मेरा माइनस जे कैप बन रहा था तो टू जे कैप हो जाता फिर वो सो फाइनल आंसर माइनस 20 के कैप आगे यहां पर क्या डायरेक्शन आती माइनस 20 के कैप माइनस 20 के कैप तो अब फाइनल स्टेटमेंट सुनना और मैं ये बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोथ फैक्टर्स दे डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट यहां जीरो मैग्नीट्यूड है यहां 20 है रेफरेंस पॉइंट पॉजिटिव साइड है तो डायरेक्शन के कैप आएगा रेफरेंस पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस है तो डायरेक्शन माइनस के कैप आ जाएगा तो जैसे ही अपना रेफरेंस पॉइंट बदलोगे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा और हो सकता है कि उसका डायरेक्शन भी बदल जाए अब ठीक है पूरी स्टेटमेंट यस सर यस सर समझ गए ठीक अब ट्रेजेक्ट्री मैंने कहा कोई भी ले सकते हो कोई भी ट्रेजेक्ट्री ले सकते हो आप लीनियर सर्कुलर पैराबोलिक कोई भी सबके लिए डिफाइंड है और एंगुलर मोमेंटम भी दो कैटेगरीज का है एंगुलर मोमेंटम के भी दो टाइप है एक तो मोमेंटम के दो टाइप और अब एंगुलर मोमेंटम के भी दो टाइप तो ये जो टाइप आप पढ़ रहे हो इसको फिजिक्स में नाम दिया गया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये वर्ड केमिस्ट्री में है जरूर सुना होगा आपने इसका नाम यस सर पढ़ा है और एक और मोमेंटम सुना होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम यस सर स्पिन ये दो वर्ड जरूर आपने सुने होंगे अभी तक फिलहाल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जिनके स्पिन क्वांटम नंबर्स पढ़ाए जाते हैं ये सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्पिन और मैग्नेटिक सो एंगुलर मोमेंटम व्हेन डिफाइंड फॉर एनी पाथ ऑफ अ पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम व्हेन डिफाइंड फॉर एनी पाथ ऑफ A particle is known as orbital angular momentum. Problem क्या है ना इसके नाम को प्रॉब्लम इसके नाम की है ऑर्बिटल वर्ड सुनते ही मन में क्या आता है ऑर्बिटल वर्ड सुना नहीं कि मन के अंदर एक ख्याल ये आता है कि कोई चीज ऑर्बिटल मोशन कर रही होगी समथिंग इज मूविंग इन द ऑर्बिट जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में चल रही है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चल रहा है कुछ ऐसा हो रहा होगा ये मन में ऐसी थिंकिंग आती है जबकि फैक्ट यह है भले वो ऑर्बिट में ना रिवॉल्व करे भले वो स्ट्रेट लाइन पे चले तब भी हम उसको नाम क्या देंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ऑर्बिटल इसका यह मतलब नहीं कि मोशन ऑर्बिट में है ना ये सिर्फ एक नाम है ये जो L वेक्टर बराबर R क्रॉस P है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं सिंप्लीफाइड इसलिए करना चाहते हैं कि हम में से कई लोग क्रॉस प्रोडक्ट के साथ उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते
मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आते ही थोड़ा सा डर सा लगता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। और वो सिंप्लीफाई भी कोई बहुत बड़ा मैजिकल काम नहीं है। देखो अगर हमारा कोई पॉइंट ओ है और हम लोग कह देते हैं कि ये वेक्टर आर है और यहां पर कोई पार्टिकल है जिसका लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, इस साइड उसका लीनियर मोमेंटम कैपिटल पी है, तो हम कुछ नया काम नहीं करने जा रहे। ऑलरेडी ये काम वेक्टर में कर चुके हो, बहुत अच्छे से कर चुके हो। ये जो वेक्टर आर है इसको एक्सटेंड कर दें अगर, और वेक्टर पी के साथ ये थीटा एंगल बना रहा, तो हम सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी है ना, तो इट विल बी आर मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। हम कोई नया काम नहीं करने वाले, ऑलरेडी ये चीज हम लोगों ने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ी हुई है। सिर्फ एक चीज ऐड कर देंगे यहां पर, सिर्फ एक काम ऐड कर देंगे, और वो ये कि जो ये लीनियर मोमेंटम है इसको आप एक्सटेंड करो, लीनियर मोमेंटम की लाइन को एक्सटेंड कर दो, वेक्टर पी को बड़ा करें, एक्सटेंड कर दे वेक्टर पी को, और पॉइंट ओ से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दे। पॉइंट ओ से लीनियर मोमेंटम की लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करें, और इसको मैं आर परपेंडिकुलर के सिंबल से डिनोट करता हूं, और शायद ये सही है कि अगर यहां पर थीटा एंगल है तो इसके अपोजिट में भी थीटा एंगल बनेगा। Yes, इस ट्रायंगल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू चेक करो, इस ट्रायंगल में वैल्यू ऑफ साइन थीटा आर परपेंडिकुलर अपॉन आर वेक्टर, तो दिस साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस आर। तो जैसे ही आप साइन थीटा को रिप्लेस करोगे बाय आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर, तो ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली यू विल हैव एंगुलर मोमेंटम एज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल पी व्हिच इज मास इनटू वेलोसिटी। ये बात आई समझ में आपको? Yes, sir. Mass, right. Mass into velocity into r perpendicular. What is r perpendicular? Perpendicular from the reference point. From the reference point. It is the perpendicular distance to the line which is extension of, which is extension of momentum, or you can say velocity. मोमेंटम और वेलोसिटी वाले वेक्टर का एक्सटेंशन करने पर जो लाइन मिलेगी, उस लाइन का रेफरेंस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे ही हम आर परपेंडिकुलर कह रहे हैं, और उसको मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। सर जैसा कि हम लोग टॉर्क में भी करते थे। बिल्कुल, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कांसेप्ट। यस हाँ अच्छा, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। और जो काम हमने टॉर्क में किया था एग्जैक्टली वही काम यहां पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालने में भी करेंगे। कैसे? अगर इस मोमेंटम की डायरेक्शन में आप अपना फेस करो, अपना फेस मोमेंटम की डायरेक्शन में रखो, तो ये रेफरेंस पॉइंट आपके राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है? अगर आपका फेस, इफ योर फेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पी वेक्टर, नहीं पी वेक्टर, देखो आप मोमेंटम इस तरफ है, तो अगर इस तरफ आपकी आईज हो, आपका चेहरा, आपकी आंखें इस तरफ है, तो सर राइट में होगा, पॉइंट वो आपके राइट साइड पर होगा। यस सर। तो क्या बोलेंगे, ये क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम है या फिर एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम? अगर सर पॉइंट ऑफ रेफरेंस राइट साइड आता है, मैंने आपको गर्दन के मोड़ने वाला एग्जांपल दिया था कि नेक को टर्न करके आप देख सकते हो, क्लॉकवाइज, इफ समथिंग इज ऑन द राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज। So if the point of reference O is on the right hand side of linear momentum, I will say that this angular momentum is clockwise. It has a sense of clockwise angular momentum. अगर मेरा reference point linear momentum vector के left side पे होता, then the linear momentum will have a sense in the. So ये sense है या actual direction है? डायरेक्शन नहीं है, ये सेंस होता है। मतलब सेंस का मतलब ये होता है कि पोजीशन वेक्टर रोटेट कैसे करेगा,
सेंस मीन्स हाउ द पोजिशन वेक्टर विल रोटेट. और ये आप वैसे भी देख सकते हो, अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए तो कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल आप यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ टाइम बाद आगे यहाँ कहीं पर होगा. तो अगर मैं इस पार्टिकल को फ्यूचर में, ये तो प्रेजेंट है, फ्यूचर में इस पार्टिकल की लोकेशन देखूंगा तो ये पार्टिकल मुझे यहाँ कहीं पर मिलेगा. और उस समय अगर मैं इसको ओ से मिलाऊं तो ये पोजीशन वेक्टर मिलेगी. यस सर. तो प्रेजेंट प्रेजेंट पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में फ्यूचर पोजीशन वेक्टर क्या क्लॉकवाइज टर्न नहीं कर गया? यस सर. अभी जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है और फ्यूचर में जो पोजीशन वेक्टर आएगी वो ये आएगी. तो प्रेजेंट पोजीशन वेक्टर से फ्यूचर पोजीशन वेक्टर की तरफ आप क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन वेक्टर टू द फ्यूचर पोजीशन वेक्टर क्लॉकवाइज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये मतलब होता है सेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कि आगे जाकर के पोजीशन वेक्टर कैसे टर्न करने वाली है. सेंस ऑफ टर्निंग ऑफ पोजीशन वेक्टर ये बताया जाता है बाय द सेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है जी. यस सर. राइट. यस सर. राइट. डायरेक्शन ये नहीं है. डायरेक्शन तो आपका ए क्रॉस बी निकालने के लिए तो राइट हैंड रूल लगाते हैं. अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये थोड़ी है. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए तो आपका राइट हैंड रूल है जिसमें ये कहते हो कि ये हमारा वेक्टर आर है अगर और वेक्टर पी इस डायरेक्शन में तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमको याद करो सो स्वाइप करना पड़ता था. राइट हैंड में क्या करते थे आर को पी की तरफ टर्न करते हो और जब आर को वेक्टर पी की तरफ घुमाएंगे तो हमारा थंब इनवर्ट जाएगा तो इनवर्ट डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट की. यस सर. हाँ. और वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट मैं बार बार ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि एक बार क्रॉस प्रोडक्ट को रिवाइज कर लेना. जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसकी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका डायरेक्शन मतलब यहाँ पे जो वेक्टर है इस वेक्टर की डायरेक्शन और राइट हैंड साइड के ये जो दो वेक्टर्स आप देख रहे हो परपेंडिकुलर इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा. मतलब अगर मैं इसको इस डायग्राम में दिखाना चाहूंगा एक और डायग्राम बना करके इस बात को समझाना चाहूंगा तो बोर्ड के अंदर जाएगा वो. हाँ बट मैं कोशिश कर रहा हूँ एक और डायग्राम बना करके आपको ये बात रियलाइज करा दूं कि होना क्या है इसमें. थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एक तो क्रॉस प्रोडक्ट वैसे भी डिफिकल्ट. तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा आर वेक्टर अगर मेरा आर वेक्टर मान लिया जाए राइट साइड है सपोज दैट आर वेक्टर इज राइट साइड एंड लीनियर मोमेंटम इज दिस साइड और ये जो मैंने ब्लैक कलर से रेक्टेंगल बनाया है आप इसको इमेजिन कर सकते हो अपने रूम का फ्लोर मान सकते हो या अपने टेबल का टॉप मान सकते हो टॉप ऑफ द टेबल रूम का फ्लोर मान सकते हो. तो ऐसे में जो एंगुलर मोमेंटम होगा मतलब ये दोनों वेक्टर अगर फ्लोर के ऊपर हैं जमीन पर हैं तो एंगुलर मोमेंटम उस ग्राउंड उस फ्लोर के या टेबल के परपेंडिकुलर होगा. So direction of angular momentum will either be upward or it will be downward. ये आप आपको देख रहे हैं कि whether it is upward or downward. तो ये देखने के लिए R को P की तरफ टर्न करो तो ये टर्निंग क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी. अगर मैं R वेक्टर को P वेक्टर की तरफ घुमाऊं रोटेट करूं सर एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. तो अब आप अपना राइट हैंड इस सरफेस पर रखो फ्लोर के ऊपर अगर आप अपना राइट हैंड रखो और उसकी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज बंद करें तो आपको ये दिख जाएगा कि आपकी थंब की जो डायरेक्शन होगी अगर आपने राइट हैंड फिंगर्स को आप एंटी क्लॉकवाइज बंद करो तो आपको समझ आएगा कि आपका थंब ऊपर की तरफ होगा. यस सर. आप जमीन पर रखे तो देखो ऐसे आप जमीन पर अपना राइट हैंड रखो मेरा थंब ऊपर है और मेरी फिंगर्स जो बंद होंगी मेरी फिंगर्स ये एंटी क्लॉकवाइज बंद होंगी तो थंब की डायरेक्शन ऊपर है
इसको ही राइट हैंड रूल कहते हैं, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज कर लो भाई, मैं फिर बोलूंगा जस्ट। यानी इस पर्टिकुलर डायग्राम में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ कही जाएगी, ये डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर है। जो कि इस लीनियर मोमेंटम से भी 90 डिग्री एंगल पर है और वेक्टर आर से भी 90 डिग्री के एंगल पर है। अब बताओ कोई डाउट को अगर यहां तक आप? नो सर, नो सर। और सर टेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिख सकते हैं? उसकी डेफिनेशन होती नहीं है, ये तो हम लोग जानते हो क्या है, मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली इसलिए मैंने बता दिया कि आपको स्कूलों में और अगल बगल आप जहां भी सुनोगे ना, आपको लोग यही कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है, एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज है। एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं होता साइंस में, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज का कोई सेंस मतलब ही नहीं होता। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि कभी आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, स्कूल में सुन रहे हो, तो आप कंफ्यूज ना हो। वैसे मतलब ये है इसका, मैंने अभी बताया आपको कि जब हम ये कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि फ्यूचर में जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो प्रेजेंट वाले पोजीशन वेक्टर को क्लॉकवाइज रोटेट करके आएगा, सिर्फ इतना मतलब है इसका। ओके सर, और कोई सेंस नहीं है इसका, कोई फिजिकल मतलब नहीं है। जब कोई आपसे पूछे ना कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, तो उसका आंसर कभी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं देंगे। उसका आंसर आपको देना पड़ेगा इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज अलोंग वाई एक्सिस, इट इज अलोंग जेड एक्सिस, इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं इस फ्लोर को एक्स वाई प्लेन मान लू, अगर मैं कह दूं कि ये फ्लोर मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की क्या डायरेक्शन है? पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस, मुझे ये कहना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, जो कि मैं अपने राइट हैंड रूल के थ्रू लाता हूं। और राइट हैंड रूल यही होता है कि पहले आप ये देखो कि आर को पी की तरफ रोटेट करने पर क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज है, और फिर अपने राइट हैंड की उंगलियों को, ये जो चारों फिंगर्स हैं, इनको बंद करना होगा, मुट्ठी बंद करनी पड़ती है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो थंब ऊपर की तरफ होगा या फिर थंब को नीचे करके तब आप मुट्ठी बंद कर पाओगे, दो ही ऑप्शन है। और ये डिपेंड करता है कि आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। अकॉर्डिंगली अगर थंब ऊपर है तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर है, और अगर फिंगर्स को क्लोज करते वक्त थंब नीचे है तो फिर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये सर समझ, ठीक है, बढ़ जाए आगे। हाँ सर, आगे बढ़िए। यस सर, यस सर, ठीक है बच्चे। अब हम इसको यूज करेंगे, इन दो पॉइंट्स का यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पहला कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा मुझे, तो मैं मास इनटू स्पीड, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन आई रिपीट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस यू हैव टू एक्सटेंड द वेलोसिटी लाइन, यू हैव टू एक्सटेंड द लाइन ऑफ वेलोसिटी एंड देन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट to the extended line of velocity or momentum. और ये fundamental definition है, तो इसको भी हम कभी कभी use करेंगे, ये basic definition है, क्योंकि यहीं से ये चीज आ रही है। अब मैं आपको ना कुछ examples ये दिखाने के लिए दूंगा, जो ये line लिखी है, whatever the path of trajectory is, whatever the path. तो मैं कुछ example लेके दिखा रहा हूं इसको। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब वन डायमेंशन पाथ की बात करता हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन। बताना क्या आंसर आएगा अभी? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लिया वाई एक्सिस हो गया, और यहां कहीं पर एक पार्टिकल है जिसका मास कुछ भी ले सकते हैं, मान लो एम ही ले लेते हैं, और ये मास वी स्पीड से चल रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दिस मास इज मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ वी, और इसका ये y कोऑर्डिनेट आपको दिया जा रहा है, y कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस आपको दी गई है d। क्विकली अगर आप समझ गए हो तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या बनेगी ओरिजिन के रिलेटिव, रिलेटिव टू द ओरिजिन।
तो आर परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए करना क्या है? सर डी है। हाँ, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, इसको ही बड़ा करना है, वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड करना है, तो वेलोसिटी वेक्टर को बड़ा कर दो आप। अब बताओ इस लाइन का ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? वेलोसिटी की लाइन है उसका पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। सर डी। डी। तो डी मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी इंटू एम इंटू वी आंसर हो गया। दैट्स ऑल, ये इतना ही आंसर है इसका। इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम इज डी एम वी, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है? यस सर। राइट। अच्छा, अगर यही पार्टिकल सेम लाइन पर थोड़ा सा आगे पहुंच जाए तो क्या बदल जाएगा आंसर? यहाँ आगे मान लो पार्टिकल की पोजीशन, क्या इसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे? नो सर। नो सर। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं रहेगा, वो उसी लाइन के पैरेलल चल रहा है। राइट। तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही चल रहे हो तो ये डिस्टेंस तो कभी बदलेगा नहीं। यस सर। राइट, समझ में आया आपको? हाँ सर। ये नहीं बदलेगा। सो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट रहेगा अगर ये ऐसे चलेगा तब। अब ऑब्वियसली यहाँ कोई ऑर्बिट तो बन नहीं रहा, ऐसा तो है नहीं कि रिवॉल्व कर रहा है ये पार्टिकल, सीधा सीधा चल रहा है स्ट्रेट लाइन पर। फिर भी इसको आप कहोगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और अगर मैं पूछूं कि डायरेक्शन क्या है यहां पर, तो प्रेजेंट पोजीशन वेक्टर से वुड बी पोजीशन वेक्टर देखो आप, प्रेजेंट टू वुड बी मतलब अभी क्या है और आगे क्या होगा। क्लॉकवाइज स्वीप हो रहा है। अभी पोजीशन वेक्टर ये है, आगे क्या होगा? थोड़ा सा पार्टिकल को आगे खिसका लो, ये हो गया। अब बताओ प्रेजेंट से फ्यूचर वाला पोजीशन वेक्टर कैसा टर्न हुआ है? क्लॉकवाइज। तो यू विल से दैट द एंगुलर मोमेंटम हैज अ क्लॉकवाइज सेंस, सेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्लॉकवाइज, बट दैट इज नॉट द डायरेक्शन। व्हाट इज डायरेक्शन? नाउ योर फिंगर्स विल बी, नाउ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इफ आई कर्ल इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, thumb is going into this surface. Thumb is going into this surface. ये इस डायग्राम के लिए क्या बोलोगे आप? This angular momentum is into this white board. मेरे लिए into white board. और आप लोगों के लिए into the notebook. जिस जहां भी आप लिख रहे हो. और अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से कंपेयर करना चाहेंगे तो इनटू वाली डायरेक्शन कौन सी एक्सिस होती है? बोर्ड के अंदर जो डायरेक्शन जाएगी वो कौन सी एक्सिस होगी? माइनस जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नेगेटिव जेड एक्सिस। यस। ठीक है, ये हो गया आंसर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। और देखिए और एग्जांपल दिखाते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट कोई पार्टिकल एक लाइन पे चल रहा है, ठीक है, ऐसी कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक एम मास का पार्टिकल चल रहा है विद सम स्पीड वी। ये आपका लाइन है जिसके अलावा बॉडी का मोशन है और ये थीटा एंगल पर है, ये एंगल थीटा है। पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सिर्फ मैथ आनी चाहिए। आर परपेंडिकुलर, जिस लाइन पर पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट आपको दिया जा रहा है, ये पॉइंट आपको दिया गया है, ये पॉइंट आपका डी है, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है क्वेश्चन। लेकिन हमें क्या करना है जानते हो? हमें क्या करना है सर? 2D एंगल भी आएगा शायद, एमबी थीटा थीटा। देखो हाँ, ध्यान से देखना, ध्यान से। जिस लाइन पर बॉडी का मोशन है ना, जिस लाइन पर पार्टिकल चल रहा है, इस लाइन का
पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ओ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको कुछ ए नाम दे देते हैं, आपको ये ओ ए डिस्टेंस चाहिए, इसको बी नाम दे देते हैं। अब आप बताओ डिस्टेंस ओ ए कितना होगा? ओ बी थीटा है यार, डिस्टेंस ओ बी थीटा है, लेकिन मुझे चाहिए ओ ए, मतलब ओ बी की वैल्यू डी है, ओ ए की वैल्यू चाहिए, और ये एंगल थीटा है, यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ कितना एंगल सर? डी थर्टी का स्क्वायर आ रहा है। ये एंगल बताओ कितना आएगा जहां पर मेरा मार्कर रखा हुआ है, मतलब हम और नाम एंगल नहीं निकाला मैंने। 90 माइनस थीटा, माइनस 90 माइनस थीटा, हां मतलब एंगल ए ओ सी कितना होगा? एंगल ए ओ सी 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए राइट, एंगल ए ओ बी कितना होगा सर? एंगल ए ओ बी थीटा, थीटा, और यहां पर 90 बन रहा है ये, तो आपके पास ये एक ट्रायंगल बना हुआ है यार, ऐसा करके ए बी ओ, यहाँ डी बन रहा, ये थीटा बन रहा, आपको ये लेंथ निकालनी है, ये डी कॉस थीटा नहीं होगी, यह 90 है। यस सर, ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से ही आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैलकुलेट करना आपने आप, ये डी कॉस थीटा आएगा, ये लेंथ जो आएगी वो डी इंटू कॉस थीटा होगी। यस सर, बस r परपेंडिकुलर की जगह रखो d into cos theta एंड साथ में m into v, ये इसका आंसर हो गया, इतना एंगुलर मोमेंटम हुआ यहाँ पर। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर, डायरेक्शन वही माइनस होगी, इसमें भी सेम डायरेक्शन आएगी, जिस प्लेन पर मोशन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। हम लोग प्लेन ले रहे हैं व्हाइट व्हाइट बोर्ड का, तो अगर हमने पार्टिकल को बोर्ड पर मूव करता हुआ माना है तो एंगुलर मोमेंटम इस बोर्ड के परपेंडिकुलर जाएगी। आप लोग पेपर पर लिख रहे हो तो पेपर के परपेंडिकुलर जाएगी। और एग्जाम्पल, नाउ प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल देखो जिसमें पैराबोलिक पाथ आता है, वहां भी एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल में भी हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं इसलिए कि आपके दिमाग से ये चीज निकल जाए कि एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडीज के लिए होता है। ये बहुत तगड़ा सा मिसकंसेप्शन लोगों के मन में बैठा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम मतलब कुछ रोटेट कर रहा होगा, कुछ नहीं रोटेट कर रहा, फिर भी एंगुलर मोमेंटम है। सो यहां पर हमने एक m मास का पार्टिकल लिया और इसको प्रोजेक्ट किया विद सम स्पीड u एट थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड ग्रेविटी एज यूजुअल डाउनवर्ड, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल। पहला क्वेश्चन, और जहां से इसको प्रोजेक्ट किया है ये ओरिजिन b है, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है यही ओरिजिन है। फर्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू ओरिजिन। देखिए मैं इसको थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू ओरिजिन, ये निकालना है आपको, ये निकालना है कब, तो एट स्टार्ट, जब ये स्टार्ट हुआ है तब कितना होगा, जब स्टार्ट हुआ था मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर देना है और इस ओरिजिन के रिलेटिव कैलकुलेट करना है। जीरो हो जाएगा क्योंकि सर कोई डिस्टेंस नहीं होगा उसका, राइट, क्योंकि पार्टिकल उसी पॉइंट पर है जिस पॉइंट के रिलेटिवली आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो। मुझे एंगुलर मोमेंटम भी इसी पॉइंट के अबाउट निकालना है और पार्टिकल भी इस समय यहीं पर है, तो क्या कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा उनमें?
नो सर। कितना बोलोगे स्टार्टिंग पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू है फिर? जीरो। अब कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, तो उस समय जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है उस टाइम पर एट दैट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू ओ कितना होगा एट मैक्स हाइट, जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर है। अब यहां पर इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के रिलेटिव कितना होगा? तो सर मास इनटू जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इनटू मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? जो नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी इसकी? प्रोजेक्टाइल के कांसेप्ट लगाओ ना, अगर इनिशियली यू स्पीड और थीटा एंगल पर थ्रो किया है तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या है? यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा, और अब हम ये लगाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी है इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस वेलोसिटी को जरा एक्सटेंड करो सो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। इस वेलोसिटी को एक्सटेंड, राइट, इस वेलोसिटी को एक्सटेंड करोगे तो ओरिजिन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या ये इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट नहीं है? यस सर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पर आपको क्या रखना चाहिए यहां पर? मैक्सिमम हाइट इनटू मास, और जिस मोमेंट पर एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उस मोमेंट पर यू कॉस थीटा की वेलोसिटी है। यस सर, समझ गए, राइट? यस सर। क्या डायरेक्शन होगा? अब इसको सिंप्लीफाई भी करोगे आप, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला रखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर, प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करना होगा, यू और थीटा वाला, जी वाला, वो तो कर लोगे आप यहाँ पर? यस सर। तीसरा, जब ये प्रोजेक्टाइल एंड हो गया उस समय, तो जब ये प्रोजेक्टाइल एंड हो गया यानी पार्टिकल यहां आ गया, तो अब इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कितना बनेगा? तो अब इसके बारे में आपको प्रोजेक्टाइल के पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि जब प्रोजेक्टाइल एंड होता है तो पार्टिकल वापस उतने ही एंगल पर आ जाता है सर, सेम वेलोसिटी के साथ। हाँ, नहीं वेलोसिटी नहीं, स्पीड, वेलोसिटी सेम नहीं हुई ना, डायरेक्शन बदल गया इसका। यस सर, सेम स्पीड। हाँ, तो अब इस पॉइंट पर क्या करें, यहां पर क्या एंगुलर मोमेंटम होगा इस ओरिजिन के रिलेटिव? मतलब आप एक बात समझ रहे हो, हम जिस पॉइंट के रिलेटिवली एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं वो पॉइंट नहीं बदल रहे हैं, पार्टिकल की लोकेशंस बदलती जा रही हैं। यस सर, रेफरेंस पॉइंट सेम है, लोकेशंस चेंज हो रही है। तो अब क्या करें यार, अब पार्टिकल मेरा यहां पर है, इससे कितनी दूर है ये इस पार्टिकल का यहां से? रेंज, रेंज, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ये तो थीटा एंगल पर है ना सर, परपेंडिकुलर रेंज पड़ेगी रेंज के, यू साइन थीटा वाली ना? हाँ बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे ना, वेलोसिटी को रिजोल्व कर लेंगे यहाँ पर, उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू साइन थीटा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा। तो एक काम हम और भी कर सकते थे, हम चाहें ना क्वेश्चन में, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, आप एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डिस्टेंस इनटू मास इनटू वेलोसिटी का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर सकते थे। दोनों आंसर चलते हैं, तो इस डिस्टेंस आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, इस आर के 90 डिग्री पर कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस आर इनटू मास और वो वेलोसिटी जो डिस्टेंस के 90 डिग्री पर है, ये आंसर बन जाएगा। यहां पर रेंज का फॉर्मूला रख दो, यस सर, ठीक है जी। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे बताया मैंने आपको, अब हो सकता है क्वेश्चन में बीच में कहीं पूछ ले, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
समझ गए सर। बता दे इसको ये। यस सर। बाकी सभी लोग बताएं, कंफर्म कर, नोट कर लिया कि नहीं? नोट्स कम जरूरी है इस टॉपिक के लिए। सर नोट कर लिया। ये अपना ना कर लेना है रेंज का, देखा ना यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी और हाइट की जगह पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, वो अपने अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। देन हम सर्कुलर मोशन पे आते हैं। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब आपको वो बात समझ में आ गई जो स्टार्टिंग में लिखी थी, वॉट एवर द पाथ इज। यस सर। ये बात क्लियर हो गई? इसे दो एग्जांपल से कि एंगुलर मोमेंटम दोनों जगह डिफाइन हुआ ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, ठीक है? यस सर। अब हम आते हैं इस चैप्टर में, हमको जिसकी जरूरत है वो है सर्कुलर मोशन की। तो रिवॉल्विंग पार्टिकल, अ पार्टिकल इन द ऑर्बिट, इसका बताना जरा यार। कोई भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल है, एक पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल है। यहां पर सर्कल का सेंटर मान लेते हैं और यहां कहीं पर उस पार्टिकल को मान लो आप पी, पी स्टैंड फॉर द पार्टिकल, उसका मास एम डिफाइन कर लो और इसकी वेलोसिटी वी डिफाइन कर दे। रेडियस ऑफ सर्कल इज कैपिटल आर, बताओ। और ये मान के चलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये मान के चल रहे हैं पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है। तो सर एमवीआर हो जाएगा। हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ आपको, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है होती है, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। तो इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली रेडियस ही हुआ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ रेडियस इंटू मास इंटू वेलोसिटी, यानी सेंटर पॉइंट के रिलेटिवली एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द सेंटर पॉइंट, इसको मैं अब एलसी लिख रहा हूं। एलसी का मतलब क्या हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू सेंटर, रिलेटिव टू सेंटर। तो जिसके रिलेटिव देखना है वही से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो सेंटर से टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि रेडियस इंटू मास इंटू वेलोसिटी। और डायरेक्शन क्या बनेगी यहां पर, तो डायरेक्शन इस आर और इस वी दोनों के परपेंडिकुलर, आर और वी मतलब रेडियस और टेंजेंट दोनों के परपेंडिकुलर, वो होगा सर्किल का एक्सिस। और अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो मोशन की डायरेक्शन देखो, ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है, इस वेलोसिटी के एरो को देख करके एंटी क्लॉकवाइज। आपने राइट हैंड फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज बंद करके बताइए कि थंब किस तरफ होगा, राइट हैंड फिंगर्स। तो ये डायरेक्शन हुआ एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम सर्किल की एक्सिस के अलोंग, सर्किल एक्स वाई प्लेन, एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस, सर्किल वाई जेड प्लेन पर है, एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस पर, सर्किल के 90 डिग्री पर जाएगा। ठीक है। और अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन किया था, तो क्या उसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर अलग अलग नहीं आया था? जब प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ था तो एंगुलर मोमेंटम जीरो आया था, जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तो कुछ और आंसर आ गया, जब प्रोजेक्टाइल एंड हुआ तो कुछ और आंसर आ गया। मतलब जैसे 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 मोशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम बदल रहा था। क्या यहाँ भी ऐसा कुछ होगा कि जब ये पार्टिकल अपना मोशन कंटिन्यू करेगा, मतलब और कहीं आगे चला जाए, क्यों नहीं, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें? ये पार्टिकल यहाँ आ गया मान लो इस पॉइंट पर, लेकिन अभी भी उतनी ही स्पीड पर है, स्टिल सेम स्पीड है इसकी, तो क्यों नहीं बदलेगा एंगुलर मोमेंटम?
क्योंकि डिस्टेंस सेम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी रेडियस है स्पीड हम बदल नहीं रहे मास बदलेगा नहीं सो स्टिल द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग द मोशन विल रिमेन कांस्टेंट तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ट्रेजेक्ट्री पर डिपेंड करता है सब कुछ ड्यूरिंग मोशन हो सकता है एंगुलर मोमेंटम बदल रहा हो पिछले डिस्टेंस रहता है उस पर डिपेंड करता है हाँ नहीं इसके ऊपर आगे ना क्वेश्चंस भी आने ना भी इसी को आगे चल के कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट मीन्स ऐसा हो सकता है ना कि किसी प्रॉब्लम के अंदर ड्यूरिंग मोशन एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा हो पिछला एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल वाला और ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग मोशन एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो रहा हो प्रेजेंट एग्जाम्पल सर्कुलर वाला तो अब हमको इसके पीछे का रीजन जानना है कि ये वो कौन सा रीजन है जो ये डिसाइड करेगा कि एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग मोशन चेंज होगा कि नहीं होगा और वो अभी हम कुछ टाइम बाद बताएंगे वो रीजन है टॉर्क टॉर्क इज द रीजन फॉर चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कुछ टाइम बाद अभी इसको हम डिराइव करेंगे ठीक है यहां तक बात समझ में आई यस सर तो हमने दो तीन एग्जांपल देखे कहीं कहीं पर ड्यूरिंग मोशन एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा कहीं कहीं पर ड्यूरिंग मोशन एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो ये कहानी क्या है तो रीजन बिहाइंड चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रीजन बिहाइंड चेंज ऑफ एल क्या होगा ये तो एल की डेफिनेशन पे आओ डेफिनेशन में कहा गया था एल वॉज आर क्रॉस पी ये इसका डेफिनेशन था ये डेफिनेशन था एंगुलर मोमेंटम का अब हम क्या करने जा रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस डेफिनेशन को दोनों साइड पर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ एल बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये डिफरेंशिएशन करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल तो पहले आर वेक्टर क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ पी वेक्टर मैथ्स का प्रोडक्ट रूल यस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी कि डी आर बाई डी टी एंड क्रॉस कैपिटल पी ये बताइए इसके बारे में तो न्यूटन पूरी जिंदगी चिल्लाते रह गए ये क्या होता है फोर्स फोर्स सो फर्स्ट टर्म इज आर क्रॉस एफ सेकेंड टर्म dr by dt काइनेमेटिक्स को याद करें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेलोसिटी तो दिस इज वेलोसिटी v क्रॉस एंड मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी यानी कि सेकेंड टर्म में वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच क्रॉस दो सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस हो गया जीरो जीरो सेकेंड टर्म जीरो और रिकॉल करो आर क्रॉस एफ को पहले डिफाइन कर चुके हो कुछ पोजीशन और फोर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ये तो ऑलरेडी एक टॉर्क सो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट द टॉर्क डीएल बाई डीटी इज टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क ऑन द पार्टिकल टॉर्क मीन्स आर क्रॉस एफ समझ गए तो इसका मतलब ये हुआ जहां पर टॉर्क होगा वहां पर एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा जहां पर टॉर्क नहीं होगा
वहां एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। ये कुछ वैसा ही नहीं होगा जैसे मैकेनिक्स में बोलते हो कि फोर्स होगा तो लीनियर मोमेंटम बदलेगा और फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। So, उसी एनालॉग में यहाँ पे टॉर्क और सी का एनालॉग राइट एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी का एनालॉग है ये। एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी का रोटेशनल एनालॉग कह सकते हो। फोर्स की जगह टॉर्क और लीनियर मोमेंटम की जगह पर एंगुलर मोमेंटम। समझ गए सर कंसेप्ट ये बना। हाँ इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। एंड ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ टॉर्क एंगुलर मोमेंटम विल चेंज। यहां पर क्यों एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है? अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी जहां पर फोर्स लगेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स एफ की डायरेक्शन सेंट्रीपेटल होगी, सेंटर की तरफ होगी। और हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? यहाँ पर हम किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं? सेंटर। तो वहां से इस पार्टिकल को जब कनेक्ट करोगे तो ये पोजीशन वेक्टर बनेगी। क्या पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट नहीं खड़े हो गए? यस यस। कितना एंगल बन गया इन दोनों के बीच में? जीरो। अपोजिट है, एक इस तरफ जा रहा है, एक बार अपोजिट है, बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में है यार ये। सर 180 अगर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। साइन 180 जीरो होता है। हाँ, तो आर वेक्टर जो सेंटर से बाहर जा रहा है रेडियली आउटवर्ड, और फोर्स वेक्टर जो कि सेंट्रीपिटल है वो सेंटर की तरफ जा रहा है। ये दोनों वेक्टर्स के बीच 180 का एंगल बन गया, जिस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एल वेक्टर जीरो आएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ एल के जीरो आने का मतलब ये हुआ कि एल वेक्टर वेरिएबल क्वांटिटी ना होकर के एक कांस्टेंट चीज है, और यही वजह है कि इस प्रॉब्लम के अंदर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। राइट? Yes, sir. ठीक है, तो अब आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा पिछले एग्जाम्पल में क्यों चेंज हो रहा था, प्रोजेक्टाइल में क्यों चेंज हो रहा था ये? सर क्योंकि ग्रेविटी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही थी। राइट, परफेक्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हमने बॉडी को थ्रो किया होगा विद सम स्पीड यू एंड थीटा एंगल, तो कुछ टाइम बाद जब वो बॉडी हवा में होगी तो उस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी। So force was equal to m into g, और हमारा reference point यहाँ था, starting point को reference माना था। तो अगर मैं अपने reference point से उस particle को मिलाता तो ये मेरा r vector बनता। क्या इसमें r और f के बीच कोई angle नहीं बन रहा? और क्या वो angle ऐसा है जिसकी वजह से cross product zero हो जाएगा? Cross product दो ही angles पर zero बन सकता है, 0 डिग्री के एंगल पर या 180 डिग्री के एंगल पर? नहीं सर, 180 नहीं है और ना ही 0। तो इसका मतलब यहाँ पर R क्रॉस F यानी कि टॉर्क आएगा, और अगर टॉर्क आ रहा है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम बदल रहा होगा यहाँ पर। तो प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम जो तीन अलग अलग आंसर सभी हमने देखे थे उसके पीछे का रीजन कोई पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बोलना ये पड़ेगा द रीजन बिहाइंड दैट वॉज the torque by the force of gravity. And why this angular momentum is constant? So, iska reason, there is no torque. And why there is no torque? These two vectors are anti-parallel, opposite to each other. Angle between them is 180 degree, because of which cross product will be zero.
बोले यस सर। ठीक है बढ़े आगे। यस सर ठीक। उन्हें नोट करके बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा आपको, बहुत बहुत ही केयरफुली इसको समझना पड़ेगा, मतलब हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते चीजों को। ये मतलब इतना आसान टॉपिक नहीं है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, आपको इसको समझना पड़ेगा। हम बात करेंगे, ये था, ये जो मैंने अभी बातें की थी वो एक पार्टिकल के लिए की थी, सिंगल पार्टिकल के लिए। जितने भी एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया वो पार्टिकल्स थे। अब आप बात करोगे एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडीज का, सुनो इसके लिए क्या आंसर बनेगा एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडीज का निकालेंगे। तो उसमें पहला केस हम लेंगे स्पिन, बॉडी स्पिन कर रही हो। अब ऑर्बिटल मोशन में और स्पिन में क्या डिफरेंस होता है? जब आप कहते हो कि एक बॉडी स्पिन कर रही है और जब आप कहते हो कि एक बॉडी ऑर्बिटल मोशन में है, तो फर्क क्या है? अर्थ के एग्जांपल से समझिएगा, अर्थ के मोशन को क्या कहा जाता है? बेस्ट एग्जांपल हमारी अर्थ एक ऑर्बिट में है, रहता है yes, sir. और कितने टाइम पीरियड पे वो अपने ऑर्बिट को पूरा करता है वो? 3.5 years। ठीक। और क्या हम ये नहीं कहते कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी हो रहा है? yes, sir. डे और नाइट का कंसेप्ट, डे और नाइट का कंसेप्ट अर्थ का ऑर्बिटल मोशन है या अर्थ का स्पिन है? स्पिन। स्पिन। और चेंज ऑफ वेदर का कंसेप्ट? ऑर्बिट। ऑर्बिटल मोशन जो ऑर्बिट के लॉन्ग करते हैं। हाँ, तो ऑर्बिटल मोशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा पूरा अर्थ एक सर्कुलर ऑर्बिट पर चल रहा है, पूरा अर्थ हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट पर है। मतलब ऑर्बिटल मोशन किसी ट्रेजेक्टरी के रिस्पेक्ट में होता है। ऑर्बिटल मोशन तब होता है जब आप किसी बॉडी को ये कह दें कि ये इस ट्रेजेक्टरी पर चल रहा है। इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्पेसिफाइड पाथ ऑर्बिटल। और स्पिन किसको बोलते हो? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट, अपनी खुद की एक्सिस यानी अपने सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जाए उसके अबाउट रोटेट करता हो। स्पिन वर्ड यूज किया जाता है रोटेशन अबाउट एक्सिस के लिए। और वो भी एक्सिस कहां से जानी चाहिए? So that axis must pass through the center of mass of the object. Center of mass. अभी ना एक टॉय आए थे 2-3 साल पहले, स्पिनर्स, स्पिनर नाम था उसका, टॉय का ही नाम था। सिर्फ विजिट स्पिनर्स थे, बहुत फेमस हुए थे। मतलब स्पिनिंग व्हील्स दिवाली के टाइम पर, इन सब के जिनमें भी स्पिन लगा होगा, वॉशिंग मशीन में स्पिनिंग ड्रम। तो ये स्पिन वर्ड जहां जहां भी होगा आप कभी नोटिस करिएगा, वो सब बॉडीज अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन होता है मॉलिकुलर लेवल पर। तो ऐसा क्या खास होता है इनके अंदर? मतलब इनको इतना हाईलाइटेड क्यों किया गया है फिजिक्स में? इनको इतना स्पेशल तरीके से क्यों हाईलाइट कर रहे हैं हम? क्या जरूरत है मुझे? देखो, तो हम यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। हम जो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिक, परफेक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। मतलब इसका एक सेंटर ऑफ मास लीजिएगा
और उसके चारों तरफ बॉडी बिल्कुल एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेंटर के किसी भी साइड पर चले जाओ बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, और ये सारे वर्ड्स लिखना यार, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा, बट आपको लिखना पड़ेगा। वी आर कंसिडरिंग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, और किसको कहेंगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट? सर जिसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। ना नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है वो सिमेट्री की डेफिनेशन नहीं है। सिमेट्री डज नॉट मींस यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सिस के थ्रू उसको दो हाफ में कट किया रहता है, दोनों हाफ आइडेंटिकल होते हैं, राइट? सिमेट्री, हां सिमेट्री लुक वाइज होती है, सिमेट्री लुक वाइज है, यूनिफॉर्मिटी वेट वाइज है, मास वाइज है। देखने में राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर एक जैसे हैं तो वो सिमेट्रिक है। सर एक बार अपनी वाली स्टेटमेंट आप रिपीट कर दीजिएगा, सर मैं नोट नहीं कर पाया था, डायग्राम बना रहा था। मैं कह रहा हूं वी आर कंसीडरिंग अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि सेंटर के चारों तरफ बिल्कुल एक जैसी कंडीशंस हैं। जैसे पार्टिकल्स हमको यहां मिल रहे हैं वैसे ही पार्टिकल इधर भी मिल रहे हैं, वैसे ही पार्टिकल्स यहां भी मिल रहे हैं, वैसे ही पार्टिकल्स यहां भी मिल रहे हैं, चारों तरफ एक जैसा पार्टिकल है। तो सर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही तो है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है सेंटर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट पार्टिकल्स हैं, लेकिन चारों तरफ लाइट पार्टिकल्स हैं। आप लोग रंगोली बनाते हो कभी दिवाली के? बेसिकली जो मतलब मास के साथ कंसीडर करें कॉपर के तो बराबर होना चाहिए हर जगह पार्टिकल। कभी रंगोली वगली बनाओ तो आपको समझ में आएगा। मान लो एक डिस्क पे, सर्कुलर डिस्क पे अगर आप कलर से रंगोली बनाओ, कुछ लोग बनाते भी होंगे, और वहां पर कलर्स की जगह मैं क्या करूं, चावल के दाने लेकर के और एक सर्कुलर रिंग तैयार कर दूं चावल के दानों का, उसके बाद गेहूं के दाने ले लिए मैंने और उसकी एक रिंग तैयार कर दी, उसके बाद मतलब स्वीट कॉर्न ले आए उसका रिंग तैयार कर दिया, तो क्या ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं बनेगी? यस सिमेट्रिकल बनेगी सर। लेकिन क्या आप एक ही मटेरियल यूज कर रहे हो बार बार? नो सर। नो सर। तो सिमेट्री है बट जो ऑब्जेक्ट सर मिलेंगे सेंटर ऑफ मास के किसी भी तरफ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, तो सर उनमें क्या सेम होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लिखे? वो सब एक एक ही मटेरियल होने चाहिए, मटेरियल वाइज सेम होने चाहिए। मतलब अगर आप एक स्पेसिफिक रिंग को देखोगे तो उस स्पेसिफिक रिंग पर हमने एक ही पार्टिकल यूज किया है, दूसरी रिंग पे हमको दूसरा पार्टिकल यूज कर सकते हैं, तीसरी रिंग पे हम तीसरा पार्टिकल यूज कर सकते हैं। So in the particles are of same type. तो टाइप मतलब क्या? एक ही मटेरियल के पार्टिकल ना यार। यस सर भाई। यही बोल रहा हूँ आपसे। तो लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरे डिस्क में एक ही मटेरियल यूज करूं मैं। यस सर। ये तो जरूरी है। आधी कॉपर की। हाँ, आधी डिस्क आप सिल्वर की बना लो, आधी किसी और की बना लो। मतलब सर हर एक डिस्क में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बस होने चाहिए। बिल्कुल, ये सिमेट्रिक का मतलब है। सिमेट्री और यूनिफॉर्मिटी दो अलग नाम की चीजें हैं। अब सुनिए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट में अगर हम कह रहे हैं कि ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट यानी स्पिन कर रहा विथ ओमेगा, और इसको ओमेगा एस लिखेंगे, एस फॉर द स्पिन। तो बट ऑब्वियस है यार, अगर ऐसा हो रहा होगा ना तो इसके अंदर का कोई भी पार्टिकल अगर आप चूज कर लोगे तो ये पार्टिकल उस एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अगर बॉडी स्पिन करेगी तो उस बॉडी के अंदर का हर एक पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में होगा। डेफिनेशन भी यही रोटेशन की। यस सर। Yes. और जस्ट अभी आपने सर्कुलर मोशन का एंगुलर मोमेंटम डिराइव किया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही।
कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा अभी जस्ट पहले ये। तो अगर ये पार्टिकल मान लेते हैं कि ये m1 मास का है और ये पार्टिकल सेंटर से r डिस्टेंस पे है या r1 डिस्टेंस पे है, तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जस्ट जो डेरिवेशन की गई है उसके हिसाब से रेडियस इंटू इसका मास और इंटू इसकी वेलोसिटी कह सकते हैं। जो एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो वो ज्यादा रेडियस में रिवॉल्व करेगा। कोई तीसरा पार्टिकल चूज कर लो एम थ्री मास का जो कम डिस्टेंस पे है तो कम रेडियस का रिवॉल्व करेगा। लेकिन सबके लिए फॉर्मूला तो ऐसे ही बनेगा ना, एम वन मास के लिए लिखेंगे तो आर वन एम वन भी लिखेंगे, M2 मास के लिए लिखेंगे तो R2 M2 भी लिखेंगे, M3 वाले के लिए लिखेंगे तो R3 M3 भी लिखेंगे एंड सो ऑन। तो जितने पार्टिकल्स हैं हम उन सबका एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देंगे। यस सर, ये बन जाएगा उस पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज बॉडी मींस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। यस सर। और एक कॉमन चीज होती है कि जब कोई, जब ये सारे पार्टिकल एक ही बॉडी के हैं, सेम बॉडी के पार्टिकल्स हैं, तो एंगुलर स्पीड इन सब की एक जैसी होगी, ओमेगा सबके लिए सेम होता है। और रोटेशन में, रोटेशन में लीनियर स्पीड और ओमेगा के बीच एक v इक्वल टू r ओमेगा। तो v1 को किससे रिप्लेस करा जाए? r1 ओमेगा, r1 ओमेगा। v2 को रिप्लेस किया जाए r2 ओमेगा, V3 को रिप्लेस किया जाए R3 ओमेगा। ऐसा करने पर ओमेगा बाहर चला जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और आपके पास इनसाइड ब्रैकेट एक टर्म बचेगा जो कि M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड प्लस M3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन विद ओमेगा। जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज, हाँ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को आप पहले से जानते हो कि ये कोई चीज होती है, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर को हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विच स्पिन और रोटेट About center of mass axis, L equal to I omega. Obviously, this I will be about the center of mass. क्योंकि axis कहाँ से pass हो रही है इसमें? Axis passing through center of mass है, so I will be about center of mass. Yes. ठीक है। और डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस अकॉर्डिंग टू ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन के हिसाब से आप अपना राइट हैंड थंब को जब राइट हैंड के फिंगर्स बंद करोगे तो इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ, इसको एल स्पिन कह दीजिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, इसमें ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पर स्टेशनरी है और बाकी की पूरी बॉडी उस सेंटर के अबाउट रोटेट हो रही है। लाइक ऐसे, मतलब ये अगर हम मार्कर का ले तो इसको सेंटर पे क्लैंप कर दो, सेंटर पॉइंट को नहीं हिलाना है और पूरी बॉडी को इसके सेंटर के अबाउट रोटेट करते रहिए, बट सेंटर जहां है वही रहना चाहिए, सेंटर पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है एंड द होल ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट द सेंटर पॉइंट। ऐसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कहा जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। As example,
अगर मेरी बॉडी कोई डिस्क है और वो रोटेट करे ओमेगा स्पीड से, इसका मास एम और रेडियस आर, तो क्या कहेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का याद करो सर, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा आएगा, तो एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा, बिल्कुल सही आंसर है, ये इसका आंसर हो गया। मतलब सिर्फ आई का गेम है, आई याद रहेगा तो आंसर आ जाएगा। यहां पर स्फीयर हो जाए तो फिर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अकॉर्डिंगली चेंज करते रहिएगा। यस सर, ठीक। और लास्ट पॉइंट, इसको कंप्लीट वाइंड अप करते हुए, यहां तक समझ गए आप? यस सर, यस सर, यहां तक समझ। ठीक है, अगर कोई बॉडी रोटेट करे लेकिन उसकी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही है तब क्या होगा? सो सेंटर ऑफ मास का निकाल के पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखेंगे फिर। देखेंगे, बिल्कुल। मैं एग्जांपल के फॉर्म में ना ऐसे लेता हूं, हमारे पास एक ट्रायंगल है, वो है तो इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक ही मटेरियल से बना हुआ है, क्या इसका सेंटर ऑफ मास इस रोटेशन एक्सिस पर होगा या नहीं होगा? देखो, रोटेशन एक्सिस इसके बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यस सर, होगा होगा, और सेम मटेरियल, जो मटेरियल यहां है वही मटेरियल यहां भी है। दूसरी बार फिर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार किया, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर के आए, लेकिन इसमें हाफ ट्रायंगल आयरन का बना हुआ है और हाफ ट्रायंगल वुड का बना हुआ है। ये पूरा सेम मटेरियल का था, इसमें आधा आधा आयरन है, आधा लकड़ी है, वुडन मटेरियल है, और ये हमारी रोटेशन एक्सिस है। इसमें सेंटर ऑफ मास कहा जाएगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ध्यान दीजिएगा, ये सब एल साइड्स हैं इसकी। क्या अभी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज लेके पहले ये पता करेंगे कि कहां पे सेंटर ऑफ मास एक्चुअली लाइक है? आयरन और वुड में भारी कौन होता है भाई, प्रैक्टिकल बात सोचिए। आयरन सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा इसका? साइड आयरन की तरफ, आयरन की साइड होगा सर, यहां कहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास। पर सर सेंटर ऑफ मास तो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पर होता है ना, तो नहीं होता बच्चा, ये सारे कांसेप्ट तो बिगड़े हमारे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सेंटर ऑफ मास तब होता है जब बॉडी का मास भी दोनों तरफ एक जैसा हो, यही मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर यूनिफॉर्मिटी कहां रही? इधर भारी मटेरियल है, इधर हल्का मटेरियल है, कहां से यूनिफॉर्म रहे? यस सर, फर्क आया? तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम को मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। कोई दिक्कत अभी मुझे? यहां पर जो रोटेशन एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही है, वो कुछ डिस्टेंस पर है, सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस है उसका, डी डिस्टेंस है मान लो। तो यहां पर हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, लेकिन वहां रोटेशन हो नहीं रहा, तो प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब एम इंटू डी स्क्वायर,
एंड देन ओमेगा, ये बनेगा इसका एंगुलर मोमेंटम। अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करो और फिर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालो। यस लेकिन एक खतरनाक पॉइंट है, वो सिर्फ सुनना होगा आपको और बिलीव करना होगा कि ये सही बोला जा रहा है, ट्रस्ट करना होगा, सुनना होगा और याद रखना होगा। पहले केस में जो हम एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं ये बॉडी का कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम है, और दूसरे केस में जो हम एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं ये कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ एक कंपोनेंट है जो कि पैरेलल टू द एक्सिस है। ये थोड़ा एडवांस फिजिक्स है। फर्स्ट केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो टोटल है, कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम है। सेकंड केस में जो एंगुलर मोमेंटम मैं कह रहा हूं ये एंगुलर मोमेंटम टोटल नहीं है, ये कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इससे ज्यादा होगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया आपको। कि आई इंटू ओमेगा से टोटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन है, लेकिन तभी डिफाइन है जब रोटेशन की एक्सेस उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से जा रही हो और बॉडी सिमेट्रिक भी है। यस सर। अगर रोटेशन की एक्सेस सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही तो भी हम एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा लिखते हैं, लेकिन उसमें आई हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पहले निकालेंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि अब आई इंटू ओमेगा जो हम कह रहे हैं ये उस ऑब्जेक्ट का टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, सिर्फ एक कंपोनेंट है। ये आप में से जिसके पास रेसनिक होगी, रेसनिक हैलिडे अगर हो, क्योंकि एचसीवी में तो ये बात छुपाई गई है, बताई नहीं गई है, और जेई में पूछी जा चुकी है, तो रेसनिक में इसका डिटेल्ड प्रूफिंग है, काफी लंबा 2 पेज का प्रूफिंग भी है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। सर तो सेकंड वाले केस में पूरा अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो फिर कैसे करेंगे? वही बता रहा हूँ बच्चा, उसी के तो कह रहा हूँ, 2 पेज का प्रूविंग है, वो करेंगे, अभी आज नहीं कर रहे हम, बिकॉज आज टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो आज मैं सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ, अगली क्लास में हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, प्रूफ करेंगे हम भी, प्रूफ करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आज आपको सिर्फ क्योंकि लेक्चर थ्योरी मुझे कंप्लीट करनी थी ना, एंगुलर मोमेंटम का कोई भाई सारे पॉइंट एक लेक्चर में कवर होने थे मेरे, तो वो चीज कंप्लीट कर ले रहे, प्रूफ हम अगली क्लास में भी कर सकते हैं इसका। मतलब आज थियोरेटिकल पॉइंट पूरे हो गए अबाउट एंगुलर मोमेंटम। मतलब एज एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमने एक रॉड ले रखी है, एम मास और एल लेंथ की रॉड एज एग्जांपल, और ये रॉड सेंटर के अबाउट रोटेट ना करके अपने एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है, इट इज स्पिनिंग और रोटेटिंग अबाउट एंड पॉइंट नॉट अबाउट सेंटर, तो हम याद करिए, याद करो m स्क्वायर बाय 4 इनटू ओमेगा होगा, लेकिन सब ओके वाले कंपोनेंट होगा टोटल का, i सेंटर ऑफ मास हो गया ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m स्क्वायर बाय 4 सेंटर ऑफ मास से l बाय 2 से उसका स्क्वायर और साथ में ओमेगा, बट दिस इज ओनली अ कंपोनेंट वैल्यू, दिस इज l एक्सिस, इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल है, और यहां पर कहते हैं एल नेट, टोटल है ये,
कंपोनेंट नंबर नहीं है, यही एंगुलर मोमेंटम है सर। और यहां पर कुछ और भी एंगुलर मोमेंटम होगा जो हम लोग यहां नहीं लिख रहे। इस एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में इतना एंगुलर मोमेंटम होगा, ये थ्योरी है, प्रूफ अगली क्लास में मिलेगा। ठीक है जी, बोले। यस सर, तो प्रूफ इसका करेंगे नेक्स्ट क्लास में सर। हाँ, और मतलब आगे की जो भी चीजें हैं वो अगली क्लास में आएंगी, बाकी अभी कुछ चीजें बताते हैं आपको।